उत्तराखंड में आज कोरोना के 1942 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 52 मरीजों की मौत हो गई। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 7028 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 135, बागेश्वर में 92, चमोली में 103, चंपावत में 51, देहरादून में 421, हरिद्वार में 295, नैनीताल में 204, पौड़ी गढ़वाल में 93, पिथौरागढ़ में 78, रुद्रप्रयाग में 77, टिहरी में 154, उधमसिंह नगर में 167 और उत्तरकाशी में 75 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 52 मरीजों की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर के 6261 पहुंच गया है। वहीं खबर आई है सुशीला तिवारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 8 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 8 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 4 मरीज संदिग्ध हैं। इसके साथ ही कोरोना इलाज के दौरान 5 मरीजों की मौत हुई है। 29 से 1 जून के बीच बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। तो प्रदेश में 29 मई से 1 जून के बीच एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। 29 और 30 मई को प्रदेश के कई पर्वतीय जनपदों में गर्जन के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। सोशल मीडिया पर बैन लगाने का कांग्रेस ने किया विरोध, केंद्र सरकार का पुतला फूंका। तो सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नहीं सहेगा देश लोकतंत्र का अपमान, अभिव्यक्ति की आज़ादी का करो सम्मान जैसे नारे लगाए। वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर आई है खाई में गिरा वाहन, पिता की मौत बेटा घायल। तो बागेश्वर से खबर आई है जिले के कपकोट के पौथिंग के नौधारा के पास एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मैक्स जीप खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि चालक भराड़ी से सवारी लेकर दूनी जा रहा था, घर जाते समय हादसा हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बताया कि पोथिंग निवासी चालक होशियार सिंह भराड़ी से सवारी लेकर दूनी गया था। वहां से लौटते वक्त नौधारा के पास जीप असंतुलित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में होशियार सिंह के मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 साल का बेटा दिनेश घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में भर्ती किया गया है।